एग्जाम्पल नंबर थ्री पेज नंबर 161, सो दैट द मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल्स आर इक्वल एरिया. व्हाट डू मीन बाय मीडियन? मीडियन मीडियन किसको बोलते हैं? एक आदमी कोई बोले तो पूरा जगह ना. हाँ बोलिए. मीडियन अपोजिट साइड को सीधा ए लाइन ड्रॉन फ्रॉम ए वर्टेक्स बाइसेक्ट द अपोजिट साइड. अगर वर्टेक्स से कोई लाइन हम ड्रा करें और अपोजिट साइड को क्या करें? बाइसेक्ट कर, मतलब इक्वल टू पार्ट में डिवाइड करें, दैट इज कॉल्ड मीडियन. So that the median of a triangle divides it into two congruent triangles. Two triangles into two triangles of equal area. Let ABC is a triangle and AD is median. It means it bisects BC into BD and DC, means BD equal to DC. Let ABC is a triangle in which AD is the median. That bisects BC. Then we have to prove that Area of triangle ABD is equal to area of triangle ADC. Draw AM perpendicular on BC. Then Area of triangle ABD equal to half into base into height. Base means BD, height means AM, and area of triangle ADC
ADC is equal to half into BC, BC into AM. इसको ऐसे समझे, जैसे सपोज करिए कोई ऑब्टूज एंगल है और इसका हाइट आप निकालना चाहते हैं, कैसे निकालेंगे? साइड को, इस साइड को हम प्रोड्यूस करेंगे, ये थोड़ा ठीक से नहीं बना है, यस, सपोज ए बी सी, अगर इसका हम हाइट निकालना चाहते हैं तो बी सी को प्रोड्यूस करेंगे, एंड यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, देन एम इज हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल। अगर इस ट्रायंगल को हम लोग देखेंगे, केयरफुली देखेंगे, तो ये एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है, तो सीडी को प्रोड्यूस करेंगे, एम इस पर ड्रा करेंगे, इट मीन्स कि जो एबीडी की हाइट होगी वही एडीसी की भी हाइट होगी, नहीं? बट बीडी इक्वल टू डीसी, बीडी इक्वल टू सीडी, विच इंप्लाइज दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू हाफ इंटू, ये डीसी की जगह हम लोग बीडी लिख सकते हैं, यस, बीडी इंटू एएम, विच इंप्लाइज दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी एबीडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी, कुछ नहीं है इसमें, आप लोग इजीली अपने से प्रूव कर लेंगे, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, और यही नहीं, कहीं भी जब इस तरह के क्वेश्चन आप लगाएंगे और देखेंगे कि अगर बेस इक्वल हो रहा है, दोनों ट्रायंगल की एरिया क्या हो रही है, इक्वल हो रही है, अगर बेस इक्वल हो रहा है या कोई मीडियन दिया गया है तो दोनों ट्रायंगल की एरिया जो होगी इक्वल ही होगी, हाँ कांग्रुएंट होंगे नहीं होंगे इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन एरिया उनकी क्या होगी, इक्वल, ठीक है, जिनको लिखना है लिख लीजिए, नहीं तो फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन बताते हैं, कहाँ से पाँच होगा भाई, यहाँ से नाउ एग्जाम्पल नंबर 4, इन फिगर 9.22 एबीसीडी इज ए क्वाड्रिलेटरल, एबीसीडी इज ए क्वाड्रिलेटरल एंड बी इज पैरेलल टू एसी, बीई इज पैरेलल टू एसी एंड आल्सो बी मीट्स डीसी प्रोड्यूस्ड एट ई, सो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई इज इक्वल टू द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। अगर ये फिगर नहीं दिया रहेगा आपको, अगर अपने से फिगर ड्रा करके बनाना पड़ेगा, तो आप मान के चलिए आप में 80% लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ये फिगर दे दिया है इससे इजी लग रहा है, और जब भी आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो इसका फिगर नहीं दिया जाएगा, फिगर आपको अपने से ड्रा करना होगा, या कहीं किसी भी एग्जाम में जाते हैं तो आपको फिगर अपने से बना के इसको प्रूव करना पड़ेगा, तो इसलिए क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ें, घर पे भी अगर लगाते हैं तो जो क्वेश्चन दिए गए उनको केयरफुली पढ़ें और कोशिश करें अपने से फिगर ड्रा करने का, अगर आप अपने से फिगर ड्रा कर लेते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि 50% क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, बात समझ रहे हैं, और हम लोग को भी देखिएगा, कभी हमें नहीं कोई सर लोगों को देखिएगा, इसको देख देख के नहीं बनाते हैं, पढ़ते जाते हैं बनाते जाते हैं, अगर देख देख बनाएंगे तो नहीं समझ में आता क्वेश्चन, इसलिए अपने दिमाग से बनाएंगे। एबीसीडी इज ए क्वाड्रिलेटरल, ए बी
सी डी, ए बी सी डी जो पार्ट लेटर एंड बी इज पैरेलल टू ए सी, ए सी ज्वाइन ए सी, बी इज पैरेलल टू ए सी, एंड ऑल्सो बी मिट्स डी सी प्रोड्यूस्ड ए प्रोड्यूस एट ई, सो दैट एरिया ट्रायंगल ए बी ए डी ई, ए डी ई मीन्स ज्वाइन दिस ए डी ई इज इक्वल टू ए डी ई इज इक्वल टू क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, सॉरी ए बी सी डी, लेट ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, एंड ए सी इज पैरेलल टू बी, then we have to prove, we have to prove that, prove that area of triangle ADE is equal to area of quadrilateral ABCD. इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, बस इतना आपको मेहनत करना होगा फिगर ड्रा करने में, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं। कैसे, यहां से देखें हम लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी ई इज इक्वल टू, ए सी ई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी चाहे ए बी सी, सेम बेस पे सी पे है, ए बी सी और ए सी सेम बेस पे है, और इन दोनों फिगर में अब कुछ दिखाई दे रहा है, पहले लिख लेते हैं फिर देखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी चाहे ए सी बी, सिंस बोथ आर ऑन द सेम बेस, सेम बेस ए सी and between same parallels AC and BE, and between same parallels AC and BE, AC and BE दोनों ट्रायंगल के एरिया इक्वल हो गए। हम लोगों को क्या दिखाना है, ए डी ई, अगर हम दोनों तरफ ए डी सी एड कर दें, ए डी सी मतलब इधर भी ए डी सी एड कर दें इधर भी ए डी सी एड कर दें तो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी ई प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, अगर ये एड कर देंगे हम ए सी में, अगर ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ए डी ई बन जाएगा, नहीं, और अगर ए बी सी में ऐड कर देंगे तो बन जाएगा ए बी सी डी, बस केवल ए डी सी ऐड करना है बाकी कुछ नहीं करना है,
दोनों ट्रायंगल सेम बेस पे हैं, बिटवीन सेम पैरेलल्स हैं, दोनों में अगर केवल हम एडीसीएड कर देंगे तो स्क्वाड्रिलेटरल और ट्रायंगल की एरिया इक्वल हो जाएगी। एरिया ट्रायंगल एसीबी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी, दोनों तो ऐड कर दिए। नाउ वी कैन राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। ये क्वेश्चन ऐसे भी इजी है। हाँ, जब तक फिगर दिया है तब तक, अगर फिगर नहीं दिया है तो फिर इजी नहीं। चलिए अगर लिखना है तो लिखें, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। इन फिगर 9.23 ई इज एनी पॉइंट ऑन मीडियन एडी ऑफ ट्रायंगल एबीसी, सो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल एबी इक्वल टू एरिया ऑफ एसी। लुक दिस फिगर, then you have to prove that area of triangle ABD ABE equal to ACE. Therefore, area of triangle ABD is equal to area of triangle ACD. हो जाएगा? मीडियन अगर है तो इस ट्रेंगल की ABD की एरिया ACD की एरिया इक्वल हो जाएगी। ACD. अब केयरफुली देखिए, इन ट्रेंगल EBC, इन ट्रेंगल EBC, छोटे वाले ट्रेंगल पहले, तो छोटे वाले ट्रेंगल का भी बेस BC है, तो इसके लिए ED मीडियन माने ED मीडियन हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल EBD इक्वल टू ECD हो जाएगा। नहीं हो पाएगा? ED इज मीडियन, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल EBD is equal to area of triangle ECD. हो गया? Let it is equation number first. Now area of triangle ABD is equal to area of triangle ACD. और इसको एबीडी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल ईबीडी, ईबीडी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एईबी लिख सकते हैं इसको, एईबी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ईसीडी, ईसीडी
डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी ई, ए सी ई ये दोनों एरिया, ये एरिया ए ई बी, ए ई बी लिखे हमको यहाँ पर, ए सी लिखना चाहिए हमको, ई सी डी और ई बी डी की एरिया इक्वल है से फर्स्ट से, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, विच इंप्लाइज दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई सी, ब्रैकेट में लिख देंगे सिंस, या फ्रॉम फर्स्ट लिख देंगे, काम करता हूं Then, आप लोग 9.2, 9.3, 9.1 कंप्लीट करेंगे और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है आप पूछ लीजिए।